ठीक है, कि हम लोग किस सॉफ्टवेयर में सी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, टर्बो C++। ठीक है, उसके लिए एक वेबसाइट है टर्बो C8.com। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? टर्बो C8.com। इसमें हम लोग चले जाएंगे, देन उसके बाद सेम सॉफ्टवेयर हम लोग को एंड्रॉयड मोबाइल के लिए भी मिलेगा, सेम हम लोग को विंडोज के लिए भी मिलेगा। ठीक है, विंडोज 7 हो 10 हो सब में चल जाता है ये। ठीक है, तो विंडोज वाले के लिए इस लिंक पे क्लिक करोगे, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो सी सी प्लस प्लस ऑन विंडोज। ठीक है, इस प्रकार से डाउनलोड करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को स्टेप नंबर 1 पे चले जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, आपकी वॉइस ओके क्लियर नहीं आ रही है। ओके, एक सेकंड होल्ड करो। यस सर, हेलो, अभी आ रही है क्या वॉइस क्लियर? नो सर, यस सर, आ रही है ना? यस सर, ठीक है, यस सर, चलो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन यस दिख रहा है? सर, मैं स्टार्टिंग से यस बता सर, रहा हूँ, हम लोग चले जाएंगे टर्बो C8.com पे। ठीक है, टर्बो C8.com पे जाओगे तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को पेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम लोग को पेज देखने मिलेगा। ठीक है, तो विंडोज वाले जो लैपटॉप कंप्यूटर में इसको चलाना चाहते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस, इस पर क्लिक कर लोगे तो हम लोग को यहाँ से लिंक मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे चले जाओगे, यहाँ स्टेप नंबर 1 दिखा होगा। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड वाला पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड में करना। ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड पे करोगे क्लिक तो एक गूगल ड्राइव का लिंक खुलेगा। ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, नीचे में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 4.7 MB का रहता है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इस पेज पे हम लोग को यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके नीचे दिखेगा स्टेप 1, यहाँ पे हम लोग को एक लिंक दिख रहा है। ठीक है, विजिट करके एक लिंक दिख रहा है, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड वाला पेज खुलेगा। ठीक है, डाउनलोड वाला पेज खुलेगा तो यहाँ से हम लोग को ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जो दिख रहा है उस पे क्लिक करना। फिर से बताएं। कहाँ से नहीं समझ में आया? चलो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, अब तीसरी बार बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, चौथी बार नहीं बताऊंगा। आया समझ में? सभी लोग ध्यान से देखना। ठीक, चलो देखो,
सबसे पहले क्या खोलना है, turbocaet.com, क्या खोलना है, turbocaet.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको खोल लेंगे, ठीक है, इस प्रकार का पेज खुलेगा। फिर हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को इस लिंक पे क्लिक करना है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो सी सी प्लस प्लस ऑन विंडोज 10 32 64 बिट, इस पे हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है, माउस से राइट लेफ्ट क्लिक करोगे तो क्लिक होगा, ठीक है, जैसे क्लिक कर लोगे तो एक नया पेज खुलेगा, इसको नीचे करोगे तो कुछ यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, ठीक है, नीचे नीचे करते जाना और यहाँ पे दिखेगा स्टेप नंबर वन, कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक लिंक देखने के लिए मिलेगा, http://www.turbocaet.com/p/download.html, इस टाइप से लिखा होगा, इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नया पेज खुलेगा डाउनलोड वाला, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ डाउनलोड लिखा होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, इस पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे एक नया टैब खुलेगा और यहाँ पे हम लोग को दिखेगा लेफ्ट में टर्बो सी प्लस प्लस 3.1.zip, ठीक है, और यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड में यहाँ दिखेगा डाउनलोड ऑप्शन, ठीक है, ये एरो टाइप का और यहाँ पे नीचे लाइन दिख रही है ब्रैकेट टाइप की, उस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार का यहाँ जिप फाइल डाउनलोड होगा, इसको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना, शो इन फोल्डर करना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा टर्बो सी सी प्लस प्लस 3.1 और इस प्रकार का टर्बो सी सी प्लस प्लस 3.1 इस टाइप का फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी प्लस प्लस 3.1 स्लैश इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसको कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इस टाइप का फोल्डर बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा क्योंकि ये जिप फाइल है, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तभी इस टाइप का फोल्डर दिखेगा, ठीक है, इसको खोल लेंगे फोल्डर को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस 3.1 पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सेटअप चालू हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लोग को सिर्फ करना क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे आई एक्सेप्ट, फिर करना है नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, मतलब विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, 8.1 हो या 10 हो, सभी में काम करेगा, ठीक है। और इस प्रकार का ब्लू कलर की स्क्रीन यहाँ पे दिखेगी, जो स्क्रीन दिख रही है ब्लू कलर की, वो स्क्रीन दिखेगी ब्लू कलर की, इसका मतलब सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल में चलाने के लिए यहाँ पे turbocaet.com में चले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है टर्बो सी ड्रॉइड, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, फॉर एंड्रॉइड APK, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर खोल लेंगे, सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल जो भी चलाते होंगे उनके पास प्ले स्टोर होगा, ठीक है, तो प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहां पे लिखेंगे टर्बो सी ड्रॉइड, टर्बो सी ड्रॉइड, ठीक है, क्या लिखेंगे, टर्बो सी ड्रॉइड, ठीक है, और उसके बाद सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला दिखेगा, यहाँ योगेंद्र सिंह लिखा होगा, ठीक है,
फर्स्ट वाला, इस टाइप का एक सिंबल होगा उसमें लिखा होगा सी प्लस प्लस, ठीक है, एंड्रॉइड का सिंबल है उसमें लिखा होगा सी प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, योगेंद्र सिंह लिखा होना चाहिए, वही वाला डाउनलोड करना, ठीक है, और यहाँ पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, समझ गए एंड्रॉइड वाले, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद यहां से ओपन कर लेना है इसको, ठीक है, ओपन करेगा तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ परमिशन मांगेगा, उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, और इसके बाद ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे कर्सर दिखता है, ये जो डब्बा टाइप का दिख रहा है ना, इसको घुमा सकते हो उधर उधर टच करके, ठीक है, इसी से ही हम लोग को हैंडल करना है पूरा, ठीक है, पूरा तेज तेज भागेगा, यहाँ पे जाके इसमें न्यू ले लेना, ठीक है, तो न्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है, ये एरो दिख रहा है साइड में, ठीक है, और जैसा बाकी टाइप करते हैं वैसे ही टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिखा होगा कीबोर्ड, हेलो 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 बोलो, हेलो कौन कपड़ा धो रहा है, सर बाकी लोग को म्यूट करने, नहीं सर म्यूट करने बोलो ना सर, बहुत आवाज आ रहा है उन लोग से, सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे प्लीज, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से एक्सपेल कर दूंगा, वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है, सभी लोग अपना माइक को म्यूट करेंगे, अननेसेसरी माइक को ऑन नहीं रखना है, ठीक है, कस्तूरी, पायल सिंह, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, फाइल में जाके न्यू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना, और नीचे कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, कीबोर्ड कौन करोगे तो आप लोग को फोन का कीबोर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि टाइप करेंगे हैश इंक्लूड, ठीक है, तो इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं इसमें बहुत इजीली, ठीक है, ठीक है, रिकमेंड करूंगा मैं गूगल कीबोर्ड को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, गूगल कीबोर्ड यूज करोगे तो अच्छे से चलेगा, ठीक है, तो ये तो हुआ मोबाइल का, ठीक है, समझ गए क्या सभी लोग, मेनू, ठीक है, अब यहाँ पे जो मेनू दिख रहा है इसको हम लोग एक एक करके यूज करके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाते हैं हम लोग, और फाइल का एफ जो है वो रेड कलर में हम लोग को दिख रहा है, एडिट का ई जो है रेड कलर में दिख रहा है, सर्च जो है वो रेड कलर में दिख रहा है, रन का भी आर जो है रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है, कभी कभी जो माउस है वो काम नहीं करेगा, जो कर्सर यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा डब्बा, ठीक है, वो कभी कभी काम नहीं करेगा, अगर लैपटॉप वगैरह यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, तो कभी कभी
रेयर केस में होता है कि वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो वो शॉर्टकट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्ट, कंप्यूटर का ऑल्ट बटन दबाओगे, ऑल्ट के साथ अगर एफ दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ और ऑप्शन मिलेगा, न्यू फाइल लेने के लिए न्यू ऑप्शन है, ओपन करने के लिए पहले से अगर हम लोग बना के रखे हैं उसको ओपन करना है तो हम लोग के पास ओपन ऑप्शन है, सेव करने के लिए सेव है, न्यू फाइल सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन है, ठीक है। जितने फाइल ओपन है सभी को सेव करना है तो सेव ऑल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, न्यू करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फुल कर लेते हैं। देन उसके बाद आते हैं एडिट में, एडिट मेनू में भी हम लोग को कुछ ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अनडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, क्लियर, कॉपी एग्जांपल, इस टाइप से हम लोग को पहले से मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सर्च, ठीक है, सर्च में आता है फाइंड, रिप्लेस, सर्च अगेन, गो टू लाइन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ ऑप्शन मिलते हैं। देन इसके बाद रन है और कंपाइल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही दो ऑप्शन होंगे और फाइल यूज़ होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 5 मिनट ही बचा है, ठीक है, तो अभी बस इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर्च हो गया, देन उसके बाद रन, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं। कंपाइल करना मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ ढूंढेगा, जो कंपाइलर है हमारा वो कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढेगा, ठीक है। मतलब लिखने में कभी गलती हो जाता है, कुछ ब्रैकेट छूट गया, सेमी कोलन छूट गया, ठीक है, तो वो सारी की गलती ढूंढेगा और हमको बताएगा कि आपने क्या क्या गलती किया है, मतलब एरर खोजेगा उसमें, ठीक है। कोई एरर नहीं मिला तो हम लोग सक्सेसफुली इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, कंपाइल और रन, ठीक है। कंपाइल का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस एफ नाइन, क्या होता है, ऑल्ट प्लस एफ नाइन, ठीक है। रन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ नाइन, कंट्रोल प्लस एफ नाइन, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस को आप लोग नोट करके रखोगे कॉपी में, ठीक है, और इसके शॉर्टकट के साथ में, ठीक है। वाइवा में पूछा जाता है कंपाइल का शॉर्टकट क्या होता है, रन का शॉर्टकट क्या होता है, न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, ओपन का शॉर्टकट क्या होता है, सेव का शॉर्टकट क्या होता है, ये सारे शॉर्टकट दिए हुए हैं, ठीक है। F3 अगर दबाओगे तो क्या खुल जाएगा, ओपन खुल जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे सीखोगे कैसे कैसे इसको चलाना है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है हम लोग इसी में प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम लोग टर्बो C++ बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टर्बो C++, क्या नाम है इसका, टर्बो C++।